मैं एजाज अहमद, मैं मलीन जहरा, मैं सफा जहरा, हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम जा रहे हैं एक फैमिली की तरफ हलवा पूड़ी का नाश्ता करने। अली भाई और एजाज, अल्हम्दुलिल्लाह सुमार अल्हम्दुलिल्लाह, आज मौसम भी बहुत अच्छा है और बच्चे भी इंजॉय करेंगे ईद को। हम पहुंच आए हैं सफा, आप सबको मेरी तरफ से मुबारक। किधर जा रही हो? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। दो मानूर को दो ईद मुबारक। यहाँ पे बन रही है हलवा पूड़ी का नाश्ता। ईद मुबारक एहसन भाई। ईद मुबारक भाभी। ताहिर भाई ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये देखें जी, परदेश की ईद है। हेल्प हो रही है यहाँ पे। क्या हो रही है? हेल्प 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 हो रही है ना। हाँ, पाकिस्तान की मौजें याद आ रही है ना? बिल्कुल। बाहर से बनी बनाई ले आओ। और यहाँ पे भी हलवा पूड़ी बन रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों को हम देते हैं जी ईदी, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। ईदी ये दिखाओ, ईदी कितनी मिली है? ये अब हो रही है जी यहाँ पे बच्चों की फोटोशूट। तो बच्चे यहाँ पे फन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी प्यारी फिश हैं। ऐसा बोलो कि इसकी शादी होती दुनिया तबाही के दाने का। कितनी फिशें थी? नहीं, अभी तो ये सारी, ये बेबीज देखो इसके अंदर है, बेबी बॉक्स में ना। अच्छा, ये सारी? ये नहीं है, बस ये वाली नहीं है। इसमें से बस छोटी छोटी, ये थोड़ी सी नहीं है बस। ये देखिए कितनी छोटी छोटी फिशें, ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। अब हो गया है जी नाश्ता बन के तैयार। ईद मुबारक दोबारा से सबको। यहाँ पे बना हुआ है शीर खुरमा, हलवा, चनों का सालन और ज़बरदस्त बेहतरीन गरम गरम पूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही अच्छा मज़े का नाश्ता था, ईद का मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह बच्चों ने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया और ईद का एहसास हो रहा था। तो अब यहाँ पे खा रहे हैं सब हलवा पूड़ी, अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी शौक से हलवा पूड़ी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले अब चलते हैं अपने घर की तरफ। नाश्ता करके हम आ चुके थे। अब घर में वन डिश पार्टी है, ईद मिलन पार्टी है। तो मालिन और सफ़ा और उनकी फ्रेंड केक को डेकोरेट कर रही हैं अपनी मर्ज़ी से, और मैं भी जो चीज़ें बनाई थी उनको मैं अब कमरे में डेकोरेट करूँगी। लेकिन पहले चलते हैं गार्डन में और देखते हैं कि एजाज किस तरह ग्रिल बना रहे हैं। मौके पर ग्रिल, तो आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें, इसको मसाला तो मैंने लगाया था लेकिन जलाया इजाज़ ने है। जला नहीं है, ये पक रहा पक रहा।
ये इजाज़ खा के दिखाएंगे कैसा मसाला लगा। जबरदस्त अच्छा लगा। और हम आज कर रहे हैं वन डिश पार्टी जो मैंने बनाया है। ये मैंने खजूर की चटनी बनाई है, रायता, सलाद और केक, शीर खुरमा, चना चाट और कपकेक। और बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मेहमान नहीं आए। ये देखिए मालिन, ईद मुबारक मालिन। हाँ जी, अब आ गए थे सब लोग। अब हम लगा रहे थे दस्तरखान यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं चला रही थी कैंडल। बच्चों ने मिलके टेबल को डेकोरेट किया किचन में, और टीवी लॉन्च में हम लोगों ने ज़मीन पे दस्तरखान लगाया था। और ये आप देख सकते हैं, मेरी एक फ्रेंड लेके आई थी बिरयानी, मैंने बनाया था आलू पालक, चिकन बेक ग्रिल किया था। यहाँ पे बिरयानी है, हमारे पास पोमस हैं, चिली चीज़ नगर्स हैं, वुस्ट हैं, मीठे में भी हमारे पास बहुत कुछ है। और ये है शाही कोरमा, तो जो कि मेरी फ्रेंड बहुत मज़े का बनाती है। कि अभी इसको डेकोरेट कर रही है, देखें कितने मज़े का लग रहा है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी, बल्कि बनाऊँगी, और फिर आप भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारी ईद गुजरी बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठे हम नहीं हो सकते थे, तो सिर्फ 3 फैमिलियां ही थीं। और बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया, बच्चों को ईदी भी मिली और बच्चों ने खाना भी इंजॉय किया, और हम लोगों ने भी अपनी ईद इंजॉय की। और ये अब जेंट्स खाना खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मालिन सफ़ा ने केक को काटा, ईद मुबारक का केक काटा गया, और इस तरह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद। आप लोगों ने क्या क्या किया ईद पे, क्या क्या पकाया, क्या क्या खाया, कहाँ गए, कौन आया, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, ईद की खुशियों में खुश रहें, हमें भी दुआओं में याद रखें। ये थी जी हमारी परदेश की ईद अल्हम्दुलिल्लाह, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।